दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीमारी और इंसुलिन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जमकर तीखी बयानबाजी हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप भी लगाया कि तिहाड़ प्रशासन झूठ बोल रहा है, उन्हें इंसुलिन नहीं मिल रही है। केजरीवाल ने कहा, मैंने अखबार में तिहाड़ प्रशासन का बयान पढ़ा, मुझे बयान पढ़कर दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान झूठे हैं। मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूँ। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि 3 दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर 250 से 300 के बीच आती है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि वो डाटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। वहीं दूसरी ओर आज ही दिल्ली की PWD और शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जाँच कर रही ईडी की कार्रवाई पर बड़ा सवाल उठाया। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के राउज न्यू कोर्ट में आवेदन किया था, वो अपने शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बातचीत कर फिर से इंसुलिन लेना चाहते हैं। केजरीवाल की इस याचिका का अदालत में ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन ने विरोध किया है। आतिशी के मुताबिक अदालत में पेश हुए ईडी और तिहाड़ के वकील ने कहा कि केजरीवाल को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए, हम केजरीवाल के इंसुलिन नहीं लेने देंगे, केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं है, एम्स के डॉक्टर सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, वो बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है भी या नहीं। एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ, जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो दलील रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध किया, इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया। इससे पहले रविवार को खबर आई थी कि सुनीता केजरीवाल के अनुरोध पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने वीसी के जरिए डॉक्टर के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का कंसल्टेशन कराया। एम्स के सीनियर डायबिटीज स्पेशलिस्ट के अलावा आरएमओ तिहाड़ और एमओ तिहाड़ भी वीसी के दौरान मौजूद रहे थे। डॉक्टर ने सीजीएम यानी ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर का पूरा रिकॉर्ड और केजरीवाल द्वारा दिए जा रहे आहार और दवाओं का पूरा विवरण दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल द्वारा न तो इंसुलिन का मुद्दा उठाया गया था और न ही डॉक्टरों ने उन्हें इसके प्रयोग का सुझाव दिया था। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।